हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपका वेलकम करना चाहूंगा हमारे इस नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग जानेंगे पाइटॉर्च के बारे में। तो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में समझा टेंसर फ्लो को और देखा कि टेंसर फ्लो हमारे को कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में जब हम डीप लर्निंग मॉडल्स बनाते हैं उसमें हेल्प करता है, हम इसी तरीके से समझेंगे आज पाइटॉर्च के बारे में और जानेंगे कि पाइटॉर्च ये जो एक लाइब्रेरी है, ओपन सोर्स मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क है जो कि फेसबुक ने बनाया था, ये हमारे को कैसे हेल्प करता है सिमिलर चीज करने में थ्रू सम डिफरेंट सिंटैक्स। एंड हम देखेंगे कि हम इसको कब यूज कर सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स भी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद पाइटॉर्च बेसिक्स। सबसे पहले, पाइटॉर्च एक ओपन सोर्स मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क है जो कि 2016 में रिलीज किया गया था और ये हमारे को एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और डायनामिक अप्रोच देता है बिल्डिंग न्यूरल नेटवर्क्स की। एंड सिमिलर टू टेंसर फ्लो, दिस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर अमंग रिसर्चर्स एंड कोडर्स। तो ये एक डायनामिक कंप्यूटेशनल ग्राफ कॉन्सेप्ट पे बिल्ड है, जिसमें विच मीन्स दैट अ ग्राफ इज बिल्ट एंड मॉडिफाइड ऑन द फ्लाई एज द प्रोग्राम रन्स। हम लोग ये आगे अपने कोड में भी देखेंगे कि हमारे पास कैसे पाइटॉर्च में एक ग्राफ क्रिएट होता है, जिसके थ्रू जब वो ग्राफ क्रिएट होता है उस ग्राफ के ऊपर हमारा प्रोग्राम रन करता है। एंड डिटेल्स ऑफ दैट आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो पाइटॉर्च सपोर्ट करता है ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन। जब हम लोग ऑटो ग्राड इज इक्वल टू ट्रू करेंगे इसमें, तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये डिफरेंशियल जो होते हैं, जब हमको बैक प्रोपगेशन में डिफरेंशियल्स कैलकुलेट करने होते हैं, ये हमारे को उसकी ऑटोमेटिकली हेल्प करता है उसमें। ये इससे हमारे को क्या होता है, एनेबल करता है हमारे को एफिशिएंट कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेडियंट्स, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हो रहा है ड्यूरिंग बैक प्रोपगेशन। और ये हमारे को बहुत सारी लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है फॉर डेटा लोडिंग, टू बिल्ड द मॉडल, ऑप्टिमाइजेशन एंड इवैल्यूएशन। ओवरऑल अगर देखा जाए, पाइटॉर्च इज ऑफन कंपेयर्ड टू टेंसर फ्लो विच इज अनदर डीप लर्निंग फ्रेमवर्क जो कि हमने पहले ही जाना। While TensorFlow focuses more on static computation graphs, PyTorch emphasizes dynamic computation graphs. The fundamental difference in design philosophy gives PyTorch an edge when it comes to the flexibility and ease to use. क्योंकि इसमें हम लोग डायनामिक कंप्यूटेशनल ग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं, तो ये हमारे को थोड़ा सा एज देता है पाइटॉर्च यूज करने का टेंसर फ्लो में। बट दिस डज नॉट मीन कि टेंसर फ्लो यूज करेंगे तो उससे कुछ आपकी लिमिटेशन होगी, टेंसर फ्लो के थ्रू भी आप सब कुछ कर सकते हैं, राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन से। अब इंस्टॉल करने के लिए, चाहे आपके पास लिनक्स है या आपके पास विंडोज़ है या आपके पास मैक ओएस है, ये तीन कमांड्स हैं डायरेक्टली आप इसके थ्रू पाइटॉर्च को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्टली आप इंपोर्ट टॉर्च करेंगे तो यू विल हैव योर टॉर्च लाइब्रेरी रेडी फॉर यूज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टेंसर्स। सो एट इट्स कोर, पाइटॉर्च इज अ लाइब्रेरी अगेन फॉर प्रोसेसिंग टेंसर्स। तो हमारे जो टेंसर्स हम बनाते थे टेंसर फ्लो में, सिमिलरली हम लोग पाइटॉर्च के थ्रू भी बनाएंगे। टेंसर एक नंबर हो सकता है, एक वेक्टर हो सकता है, एक 2D मैट्रिक्स हो सकता है, कोई n डायमेंशनल एरे भी हो सकता है, 3D, 4D कुछ भी हो सकता है, जैसा कि हमने टेंसर फ्लो में देखा। तो अगर हम नंबर को टेंसर बनाते हैं तो कैसे लिखेंगे, टॉर्च डॉट टेंसर और उसमें हम लोगों ने एक नंबर डाल दिया जिससे हमारा T1 एक टेंसर आ जाए। नाउ अब यहाँ पे हमने 4 डॉट लिखा हुआ है, 4 पॉइंट विच इज अ शॉर्ट हैंड फॉर 4.0, मतलब 4.0 की जगह 4 पॉइंट लिख दिया हमने। ये हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं पाइथन में दैट हम लोगों ने एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बनाया है। ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है एंड वी कैन वेरीफाई दिस बाय चेकिंग द डी टाइप। अगर हम डी टाइप चेक करेंगे तो आ जाएगा फ्लोट 32, राइट? अब अगर थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स टेंसर बनाना चाहें हम लोग, अगर एक वेक्टर बनाना चाहें, तो यहाँ पे टॉर्च डॉट टेंसर, इसमें हम लोगों ने हमारा वेक्टर डाला, हमने 1 डेसिमल लिया, 2, 3, 4 इंटीजर्स लिए। एंड आप देखेंगे हमारे पास सारे के सारे टेंसर में, क्योंकि सिमिलर फॉर्मेट करने के लिए सारे के सारे हमारे फ्लोट ऑब्जेक्ट्स आ गए। अगेन अगर हम लोग वेक्टर से मैट्रिक्स की तरफ जा रहे हैं, 2D मैट्रिक्स की तरफ, तो आप देखेंगे कि हमारे पास सिमिलरली टॉर्च डॉट टेंसर, उसमें हम लोगों ने अपना 2D एरे डाला एंड वी गेट आर मैट्रिक्स एज अ टेंसर। नाउ हम ना 3 डायमेंशनल एरे देखेंगे एंड ये हमारे पास 3 डायमेंशनल एरे भी सिमिलर वे में, हमने अपना टॉर्च डॉट टेंसर में अपना 3D टेंसर डाला, 1, 2 एंड 3, ये 3 हमारे पास 3 डायमेंशनल टेंसर है एंड ये हमारे पास सिमिलरली एक टेंसर फॉर्मेट में आ गया। सो वेरी सिंपली हम लोग अपना टॉर्च डॉट टेंसर में अपना नंबर या वेक्टर या फिर एरे या कोई एन डायमेंशनल मैट्रिक्स डाल देते हैं एंड हमारे पास उसका टेंसर आ जाता है। तो टेंसर्स कैन हैव एनी नंबर ऑफ डायमेंशंस एंड डिफरेंट लेंथ्स अलोंग ईच डायमेंशन। वी कैन इंस्पेक्ट द लेंथ अलोंग ईच डायमेंशन यूजिंग द डॉट शेप प्रॉपर्टी ऑफ अ टेंसर। अब बेसिकली अगर हम शेप चेक करना चाहें तो जैसे हमारे पास जनरली शेप वाला फीचर होता है हमारे पाइथन में, वैसे ही हमारा यहाँ पे भी है। T1 डॉट शेप करा हमने जब, तो मेरे पास इस टेंसर की शेप आ गई। यहाँ पे शेप क्या ही, हमारे पास इसका साइज आ गया, दिस इज
द साइज विच इज अनल एलिमेंट हमको दिया गया है. क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास इसका कुछ शेप नहीं है. दिस इज जस्ट अ नंबर. अगर मैं अब अपने वेक्टर को डालता हूँ तो आप देखेंगे कि इसका साइज जो आएगा जब हम शेप कर रहे हैं प्रिंट, तो हमारे को वो साइज आउटपुट देता है. जैसे हमने टेंसर फ्लो में भी देखा था द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टेंसर. तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 4, राइट? तो इससे हमारे पास ये आ गया. सिमिलरली जब हम T3 देखेंगे तो T3 हमारे पास 6 एलिमेंट्स थे. तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं ये करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे शेप आएगी उसकी 3,2 विच इज इक्विवेलेंट टू 6 एलिमेंट्स, 3 इन रोज 2 इन कॉलम्स. यहाँ पे अगर मैं अपना T4 डॉट शेप करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा गाइस? यहाँ पे भी मेरे पास 3 डायमेंशन है तो मेरे पास रो, कॉलम और नंबर और विड्थ भी आएगी, राइट? तो सिमिलरली अगर मैं T4 करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2,2,3, टोटल एलिमेंट्स 12, राइट? 2,2,3 12 एलिमेंट्स, राइट? तो टोटल हमारे पास एलिमेंट्स हो गए 12, हमारे पास इसकी शेप हो गई 2,2,3, राइट? तो इसके थ्रू हमारे पास हमने टेंसर्स डिफाइन कर लिए. अब जैसा कि हम लोग टेंसर फ्लो में जो हम लोग साइज यूज़ करते थे तो हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल निकालते थे. पाइटॉर्च में हम लोग अगर अपने डॉट शेप का जो आउटपुट होता है, अगर हमारे पास दो अगर रो और कॉलम आ रही है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे एंड दैट द आउटपुट विल बी द शेप ऑफ द टेंसर. क्या वो 1D टेंसर है, क्या वो 2D टेंसर है, क्या वो 0 डायमेंशनल टेंसर है, कोई शेप नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और अगर हम इस पर्टिकुलर चीज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, विल ऑल्सो गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट. नाउ अगर जैसा कि हम लोगों ने रैक टेंसर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वहाँ पे जब हम लोग इसको डिफाइन कर सकते थे, पाइटॉर्च में अगर आप डायरेक्टली टॉर्च डॉट टेंसर के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको एक वैल्यू एरर मिल जाएगा बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर शेप. रीज़न इज कि आपका पहला रो में 3 एलिमेंट्स, दूसरे में 2 और तीसरे में 2, विच विल एक्सपेक्टेड सीक्वेंस ऑफ लेंथ 3 एट डायमेंशन 1 गॉट 2, विच विल क्रिएट दिस सॉर्ट ऑफ अ वैल्यू एरर. अ वैल्यू एरर इज थ्रोन बिकॉज लेंथ 5, 6, 11 एंड 7,8 डू नॉट मैच, राइट? तो इसकी वजह से हम लोग अगर इससे हम समझते हैं कि टॉर्च डॉट टेंसर में हम लोग जब अपना डिफाइन कर रहे हैं तो हम लोग एलिमेंट्स डाल रहे हैं, ऑल ऑफ दम शुड बी ऑफ द सेम शेप. नाउ एज वी अंडरस्टैंड दिस, आइए लेट्स जंप ऑन टू टेंसर ऑपरेशंस एंड ग्रेडियंट्स. तो जैसा कि आपके बेसिक ऑपरेशंस होते हैं टेंसर फ्लो में, वैसे ही पाइटॉर्च में भी होते हैं, जिसकी वो एडिशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन एंड ऑल ऑफ दैट. अब यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जिसको हम कहते हैं रिक्वायर्स अंडरस्कोर ग्रैड इज इक्वल टू ट्रू. जब भी हम किसी वेरिएबल को किसी टेंसर को डिफाइन कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक हाइपर पैरामीटर आ जाता है रिक्वायर्स अंडरस्कोर ग्रैड इज इक्वल टू ट्रू. और जब हम उसको ट्रू करते हैं तो हमारे पास बैक प्रोपगेशन के टाइम पे उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट होता है विद रिस्पेक्ट टू दैट. तो dy/dw, अगर हमारा y लॉस फंक्शन, तो dy/dw1, dy/dw2 पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ दिस कैलकुलेट होंगे जब हम बैक प्रोपगेशन करेंगे, जब हम लोग अपने वेट्स को एज रिक्वायर्स ग्रैड इक्वल टू ट्रू कर रहे हैं, राइट? आइए इसको समझते हैं और डिटेल में. तो वी कैन कंबाइन टेंसर्स विद यूजुअल अरिथमेटिक ऑपरेशंस. लेट्स लुक एट द एग्जांपल. यहाँ पे हमने एक टेंसर बनाया टॉर्च डॉट टेंसर 3, ऐसे ही 4 और 5, लेकिन हमने 4 और 5 में रिक्वायर्स ग्रैड इज इक्वल टू ट्रू कर दिया. ये हो गए हमारे 3 टेंसर x, w और b. नाउ वी हैव क्रिएटेड दीज 3 टेंसर्स x, w एंड b एंड ऑल नंबर्स w एंड b हैव एन एडिशनल पैरामीटर रिक्वायर्स ग्रैड सेट टू ट्रू. वील सी वॉट इट डज इन जस्ट अ मोमेंट. तो अब हम एक नया टेंसर बनाते हैं y, जो कि अरिथमेटिक कॉम्बिनेशन है इन 3 टेंसर्स का. y इज इक्वल टू w इंटू x प्लस b. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, w इंटू x 12 + 5 = 17, राइट? 17 आ गया, एक सेकेंड, या 17 आ गया. तो एज एक्सपेक्टेड y इज अ टेंसर विद वैल्यू 17. वॉट मेक्स पाइटॉर्च वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वॉट मेक्स पाइटॉर्च यूनिक इज दैट वी कैन ऑटोमेटिकली कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द टेंसर्स दैट हैव रिक्वायर्स ग्रैड इज इक्वल टू ट्रू, दैट इज w और b. अगर मैं डेल y बाय डेल w निकालूंगा, डेल y बाय डेल b निकालूंगा, तो मेरे पास डायरेक्ट इनकी वैल्यूज आ जाएंगी जैसे ही मैं कंप्यूट करूंगा डेरिवेटिव्स. और वो डेरिवेटिव्स कंप्यूट करना बहुत सिंपल है, बस y डॉट बैकवर्ड करके आपको एक फंक्शन कॉल करना है. लेकिन अगर मैं dy/dx करूंगा तो मेरे पास एरर आए, तो मेरे पास कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, नन आएगा, बिकॉज दैट्स नॉट डिफाइंड ओनली, राइट? हम लोगों ने क्योंकि रिक्वायर्स ग्रैड इज इक्वल टू ट्रू x के लिए नहीं किया. आइए अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं. हमारे पास y आ गया,
वाई डॉट बैकवर्ड मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। अब आप देखेंगे कि मैं एक्स डॉट ग्रैड अगर करूँगा तो मेरे पास कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर आप डब्ल्यू डॉट ग्रैड करा मैंने अगर, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3। अब अगर हम डब्ल्यू एक्स प्लस बी को डब्ल्यू के थ्रू डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट रहेगा तो एक्स आ जाएगा और ये जीरो रह जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या है 3, तो हमारा आंसर होना चाहिए 3। आंसर आ गया 3 डब्ल्यू डॉट ग्रैड। सिमिलरली जब मैं बी डॉट ग्रैड करूंगा तो क्या होगा, ये मेरे पास कॉन्स्टेंट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगी मेरी वैल्यू 1, तो आंसर आना चाहिए 1। अब आप देखिए यही रिजल्ट है। एक्स डॉट ग्रैड करा हमने डी वाई बाई डी एक्स, नन आया क्योंकि हमने एक्स को रिक्वायर ग्रैड इक्वल टू ट्रू ही नहीं करा। डब्ल्यू करा तो 3 आया एंड बी करा तो 1 आया। सो एज एक्सपेक्टेड डी वाई बाई डी डब्ल्यू हैज द सेम वैल्यू एज एक्स, दैट इज 3। डी वाई बाई डी बी हैज द वैल्यू 1 एंड नोट दैट एक्स डॉट ग्रैड इज नन बिकॉज एक्स डजंट हैव रिक्वायर ग्रैड सेट टू ट्रू। द ग्रैड इन डब्ल्यू डॉट ग्रैड इज शॉर्ट फॉर ग्रेडियंट, विच इज अनदर फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, यही हम लोग ढूंढते हैं। द टर्म ग्रेडियंट इज प्राइमरली यूज वाइल डीलिंग विद वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस। तो जनरली जैसे कि आप जानते हैं ग्रेडियंट डिसेंट भी कितना पॉपुलर नेम है हमारे ऑप्टिमाइजर का, तो हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं डेरिवेटिव को हम ग्रेडियंट के नाम से उसको बुलाते हैं ताकि वाइल डीलिंग विद वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस, राइट। अब हम लोगों ने समझ ली अरिथमेटिक ऑपरेशंस, इसका बैकवर्ड फंक्शन और रिक्वायर्स ग्रैड इज इक्वल टू ट्रू की इंपॉर्टेंस। अब एक बार देख लेते हैं टेंसर्स डॉट टेंसर्स के फंक्शंस को, तो आइए इसके ऊपर एक बार डिटेल में डाइव करते हैं। तो गाइज आइए अब बात करते हैं टेंसर फंक्शंस के बारे में। तो अभी जैसा कि हम लोगों ने जाना कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हमारे पास क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं पाइटॉर्च में, अब हम देखेंगे कि हम लोग पाइटॉर्च में डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अलावा क्या चीज़ें कर सकते हैं हम लोग टू मैनिपुलेट टेंसर्स। अब जैसे कि आप इस वाले एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे हम लोग T6 एक टेंसर बना रहे हैं टॉर्च डॉट फुल से, यहाँ पे हम लोग शेप डालते हैं टेंसर की और यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं, तो हमारे पास आउटपुट में आता है T6 टेंसर विच शेप 3 रोज एंड 2 कॉलम्स और 42 एलिमेंट होता है उसमें एज एन इंटीजर हर एक एलिमेंट में। सिमिलरली अगर मैं कॉन्कैटनेट करता हूँ दो टेंसर्स को जो कंपैटिबल टेंसर्स हैं, जैसे कि T3 भी है मेरे पास अभी एक और ऐसे ही T6 भी है। अब T3 और T6 दोनों कंपैटिबल टेंसर्स हैं, T6 हमारे पास ये रहा 3,2 एंड ये भी 3,2, जब मैं इसको कंबाइन करूंगा तो मेरे पास 6,2 का एक टेंसर बन जाना चाहिए जब मैं कॉन्कैटनेट करूंगा, तो कैसा आएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 42, 42, 42, 42 एंड 42, 42। सिमिलरली ये आ गया हमारे पास, क्या करा हमने इसमें बस टॉर्च डॉट कैट और उसमें हम लोगों ने पैरेंथेसिस में हमारे दोनों टेंसर्स पास कर दिए। नाउ नेक्स्ट इज टॉर्च डॉट साइन, बहुत ही सिंपल है, हर एक एलिमेंट का हमारे पास जो हमने T7 बनाया उसका साइन आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये सारी वैल्यू सेम होंगी, तो ये सारी की सारी वैल्यू सेम होंगी एंड ये डिफरेंट वैल्यूज होंगी 5, 6, 7, 8, 9, 10 के लिए। ऑसम राइट, तो हमारे पास इसके थ्रू हम लोगों ने पूरा टेंसर के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर दिया अपना एक फंक्शन। सिमिलरली रीशेप, अब मेरे पास हम जानते हैं ये 6,2 बेसिकली 11 एलिमेंट्स का एक टेंसर है, अगर मुझको इसको एक 2D टेंसर से 3D टेंसर बनाना है तो बहुत इजीली मैं एक रीशेप फंक्शन को यूज़ करके 3,2,2 यूज़ करके मैं एक अपना नया टेंसर बना लूँगा विच विल बी 3D इन नेचर, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टेंसर हैं 2,2 की शेप के, तो इससे हो गया हमारा 3,2,2 का एक रीशेप टेंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं टेंस पाइटॉर्च के जिसमें हम लोग डिफरेंट वेज में मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने टेंसर्स को। हम लोग और इनके बारे में लर्न कर सकते हैं थ्रू पाइटॉर्च की डॉक्यूमेंटेशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हैं, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इस टेंसर इस स्टोरेज ऐसे करके आपके मल्टीपल ऑपरेशंस किए जा सकते हैं टेंसर्स में, जैसा कि हमने पाइटॉर्च में अभी कुछ एग्जांपल्स लेके सीखे वैसे ही हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकते हैं। यू कैन सी कितनी ज़्यादा एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है जो ये सारे के सारे पाइटॉर्च के फंक्शंस हो जाएंगे, राइट। बट हाँ दीज आर द मेन वंस विच वी यूज इन आर डे टू डे पर्पस। अब एक बार चीज़ देखेंगे कि जैसे हम लोग बहुत चीज़ें करते हैं अपने नंपाई में पांडास में, क्या ये हमारे पास नंपाई के थ्रू अगर हम नंपाई में EDA कर रहे हैं मैनिपुलेशंस कर रहे हैं तो कैन वी ट्रांसफर इट टू पाइटॉर्च, एंड द आंसर इज येस। तो नंपाई एक पॉपुलर ओपन सोर्स लाइब्रेरी है यूज्ड फॉर मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, एज अ नेम सजेस्ट न्यूमेरिकल पाइथन।
हमारे को इनेबल करता है एफिशिएंट ऑपरेशंस में लार्ज मल्टी डायमेंशनल एरेज के। अब ये हमारे को इंस्टेड ऑफ रीइन्वेंटिंग द व्हील, हमको वापस से ये टेंसर नंपाई के थ्रू जो हम बनाते हैं वापस स्टार्टिंग से बनाने पड़े। PyTorch, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, PyTorch इंटर ऑपरेट्स वेल विद नंपाई टू लेवरेज इट्स एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम ऑफ टूल्स एंड लाइब्रेरीज। तो आप देखिए कि क्या होगा इसमें। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने नंपाई इंपोर्ट किया और नंपाई में हमने एक एरे डिफाइन कर दिया। अब ये जो एरे डिफाइन करा ये 2,2 मतलब 2 रोज 2 कॉलम्स हैं हमारे पास, चारों फ्लोट एलिमेंट्स 1, 2, 3 और 4। तो ये हम लोगों ने डिफाइन करा। अब मुझको अगर इस नंपाई एरे को अगर PyTorch का टेंसर बनाना है तो क्या किया जाएगा, सिंपली टॉर्च डॉट फ्रॉम नंपाई। तो यहाँ पे कन्वर्ट द नंपाई एरे टॉर्च डॉट फ्रॉम नंपाई, और मैंने अपना एरे डाल दिया यहाँ पे। ये बन जाएगा मेरा एक PyTorch टेंसर विद 1, 2, 3, 4 एज द टेंसर, 2,2 एंड डेटा टाइप टॉर्च डॉट फ्लोट 64, क्योंकि हमारे पास ये फ्लोट एलिमेंट्स हैं, राइट। हमने यहाँ पे एक फ्लोट दिया तो सारे के सारे फ्लोट हो जाते हैं टू मेंटेन द डेटा टाइप ऑफ द टेंसर या फिर एरे, राइट। अब वेरीफाई करते हैं डेटा टाइप्स को। अगर आप देखेंगे एक्स डॉट डेटा टाइप, जो आपका एक्स है वो आप वो होगा आपका डेटा डी टाइप फ्लोट 64 नंपाई फॉर्मेट में। एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपका PyTorch के थ्रू आएगा आपका टॉर्च डॉट फ्लोट 64। एंड दिस इज द डिफरेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हमारे पास जब हम लोगों ने टॉर्च डॉट फ्रॉम नंपाई करा हमारा पूरा का पूरा वाई जो था वो एक टेंसर बन गया, एंड उसका डेटा टाइप भी हमारे पास उसके सारे के सारे जो पैरामीटर्स होंगे वो हमारे पास एज टॉर्च डॉट फ्लोट आएगा, टॉर्च डॉट इंट आएगा इफ दिस इंटीजर ऑब्जेक्ट, और ऐसे करके उसके सारे एलिमेंट्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट अ PyTorch टेंसर टू अ नंपाई एरे ऑल्सो यूजिंग द डॉट नंपाई मेथड ऑफ टेंसर। तो जैसा कि यहाँ पे फ्रॉम नंपाई था, डॉट नंपाई सिंपली हमारे पास वापस से हमारे टॉर्च टेंसर को नंपाई एरे में कन्वर्ट कर देगा। सो दीज आर सम फंक्शंस ऑफ योर टॉर्च PyTorch, जिसके थ्रू आप नंपाई से आ सकते हैं जा सकते हैं, बोथ कैन बी डन। Interoperability between PyTorch and NumPy is essential because most data sets you will work with likely be read and processed as NumPy arrays. Generally आपने देखा होगा आप कुछ भी जब read करते हैं data या कुछ करते हैं तो NumPy arrays होते हैं, हम arrays में deal करते हैं। Numerical Python is one of the most common ways to deal with data. You might wonder why we need a library like PyTorch at all, क्योंकि NumPy तो सारे data structures और utilities को similarly करता ही है using multi-dimensional numerical data. इसके दो main reasons हैं। सबसे पहला रीज़न है ऑटोग्राड। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग ऑफ द लेसन में समझा कि ऑटोमेटिकली कंप्यूट जब करता है ग्रेडियंट्स को हमारे टेंसर ऑपरेशन फॉर आर टेंसर ऑपरेशंस, इट इज एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग डीप न्यूरल नेटवर्क्स। PyTorch ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट कैलकुलेट कर देता है विच मेक्स इट वेरी एफिशिएंट एंड ईजी। सेकेंड इज GPU सपोर्ट। तो जब हम लोगों को मैसिव, जैसे आपने देखा होगा आपके ChatGPT, Bard.ai और बहुत ही ज़्यादा ऐसे डिफरेंट डीप लर्निंग मॉडल्स होते हैं वो एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ डेटा में डील करते हैं, तो एक्सट्रीम कंप्यूट रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, एंड PyTorch टेंसर ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड एफिशिएंटली यूजिंग GPUs एंड TPUs। तो यहाँ पे आप जब GPUs ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स यूज कर सकते हैं, कंप्यूटेशंस दैट माइट टिपिकली टेक आवर्स कैन बी कंप्लीटेड विद इन मिनट्स। तो इसका बहुत सिग्निफिकेंटली टाइम रिड्यूस हो जाता है आपकी प्रोसेसिंग का, राइट। तो दिस इज वाई वी यूज PyTorch। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं ऑफ दिस लेसन, जिसमें हम लोग PyTorch को यूज़ करेंगे लीनियर रिग्रेशन के लिए, एंड हम लोग ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करके अपने वेट्स को भी अपडेट करेंगे, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पे। हमने NumPy और Torch को इंपोर्ट किया। नेक्स्ट थिंग इज हमने इनपुट डिफाइन करा। इनपुट में हमारे पास लेट्स से 3 कॉलम्स है, टेम्परेचर, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी। हमने ये इनपुट एरे डिफाइन करा 2x2 का। हमारे पास ये हमारा इनपुट एरे है। अगर मैं आपको यहाँ पे हम टारगेट वेरिएबल भी डिफाइन करेंगे, और हमारे दो टारगेट वेरिएबल्स हैं एप्पल्स और ऑरेंजेस, राइट। तो ये हमने अपना टारगेट वेरिएबल भी डिफाइन करा। सबसे पहले जब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इनपुट्स और टारगेट दोनों को हम फ्रॉम नंपाई से टेंसर्स में कन्वर्ट करेंगे और इनको प्रिंट कर लेंगे। तो देखिए ये आपके पास आ गया इनपुट्स, ये आ गया आपके पास टारगेट्स, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आपके टारगेट्स हो गए, राइट। अब हम लोग वेट्स एंड बायसेस को रैंडमली इनिशियलाइज करेंगे। तो रैंडम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोगों ने एक W और एक B को इनिशियलाइज करा। इसकी शेप दी 2, इसकी दी 2,3 एंड रिक्वायर्स ग्रेड इक्वल टू ट्रू कर दिया। तो हमारे पास W आ गया जिसमें इट विल बी ऑफ द शेप ऑफ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, एंड यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स होंगे इन अ 1D वेक्टर।
तो दिस इज आर डब्ल्यू, दिस इज आर बी, एंड दोनों में हम लोगों ने बिकॉज ये हमारे अपडेट होते हैं दोनों में हमने रिक्वायर्स विराट इज इक्वल टू ट्रू करा है, बिकॉज इसको जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे बैक प्रोपगेशन करेंगे तो हम लोग को इसकी ज़रूरत होगी रिक्वायर्स विराट की, क्योंकि हम लोग इसके थ्रू डिफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो हमारे इनपुट्स रेडी हैं, टारगेट्स रेडी हैं, वेट्स एंड बायसेस रैंडमली इनिशियलाइज रेडी हैं। अब हम लोग मॉडल डिफाइन करते हैं, सिंपल सा मॉडल, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह हम लोग वही करेंगे यहाँ पे, एक्स डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज प्लस बी, राइट, एक्स एट द रेट डब्ल्यू डॉट टी प्लस बी, ये हमने करा। एंड हम लोगों ने यही मॉडल में इनपुट्स डाल दिए, तो बेसिकली ये एरेज आएंगे, मल्टीप्लाई होंगे, ऐड होंगे, एंड वी विल गेट द रिजल्ट। तो हमारे पास इनपुट्स तो हमको पता है, दीज आर द इनपुट्स, हमारे को W भी पता है क्या है, दिस इज W एंड दिस इज B। तो हमारे पास ये B तो ऐड होगा एंड में, लेकिन उससे पहले हमारे पास X और W ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन होगा, एंड वी विल गेट दिस एज द रिजल्ट। अब जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था, जब हम लोगों ने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया था एग्जाम्पल के लिए, दिस राइट W इंटू एक्स प्लस बी, सिमिलर चीज़ हम वहाँ पे कर रहे हैं, हमने यही सिमिलर चीज़ करी, एंड अब हम वहाँ पे ऑटोग्राड के थ्रू, रिक्वायर्स ग्रेडियंट के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखिए कि कैसे डिफरेंस आता है। सबसे पहले जब हमने प्रेडिक्शंस आ गई हैं हमारे पास, उससे पहले हमारे को जो एरर कैलकुलेट करना होता है दैट शुड बी बेस्ड अपॉन द लॉस फंक्शन, राइट। तो हम लॉस फंक्शन डिफाइन करते हैं, मीन स्क्वेर्ड एरर हमारा लॉस फंक्शन होगा, एक्चुअल और टारगेट, तो डिफरेंस लिया हमने एक्चुअल और टारगेट के बीच, एंड हमने रिटर्न करा टॉच डॉट सम, डिफरेंस इनटू डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिफरेंस इनटू द साइज द शेप ऑफ दिस द एलिमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर डी आई डबल एफ। तो रूट मीन स्क्वायर का सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, इससे हमारे पास ये आ जाएगा, एंड मैं अपना लॉस प्रिंट कर लूँगा एक बार। तो आप देखें कि मेरे पास स्टार्टिंग में लॉस आ रहा है मेरा 11673। अब जब मैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जहाँ पे हमने ऊपर लॉस डॉट बैकवर्ड किया था यही सेम करेंगे हम, इससे मेरे ग्रेडियंट्स कंप्यूट हो गए फर्स्ट बारी के लिए, एंड आप देखेंगे ग्रेडियंट्स आए आपके ये W के ग्रेडियंट्स आपके आए ये आपका W था और ये आपके ग्रेडियंट्स आ गए उसके। सिमिलरली B आपका ये था और ग्रेडियंट्स आ गए उसके ये, राइट। आपने देखा ही था W और B आपके थे -0.84, -0.96 और -1.92, ये आप देख सकते हैं आपका ये रहा -1.92 और ये रहा आपका वेट्स, ये आपके ग्रेडियंट्स आ गए इनके। अब आप ग्रेडियंट को, जब आपके पास ये आ गया तो आप ग्रेडियंट को रीसेट कर देंगे, क्योंकि अब हम लोग इसको एक इटरेटिव वे में चला के एडजस्ट करेंगे पैरामीटर्स को। जैसे कि आपकी ये प्रेडिक्शंस आई वापस से, आपका लॉस ये है लेट्स से, राइट, आपका ये यहाँ हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, ये लॉस ये है, अभी हमने कुछ चेंजेस नहीं किए। अब देखिए क्या होगा, हम लोगों ने ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करे, और अब मैं क्या करूँगा, मैं एडजस्ट करूँगा वेट्स को और रीसेट करूँगा ग्रेडियंट्स को। तो क्या किया मैंने, W इज इक्वल टू W माइनस W जो ग्रेडियंट है इनटू द लर्निंग रेट, जहाँ पे हम इसको लर्निंग रेट ले रहे हैं लेट्स से, एंड ऐसे ही हम मैं B के लिए करूँगा, तो मेरे W और B अपडेट हो जाएंगे, और उसके बाद मैं वापस अपने W और B का ग्रेडियंट को जीरो सेट कर दूंगा, ताकि जब ये इटरेटिवली चलता रहे वापस से कैलकुलेट होता रहे ग्रेडियंट, एंड वो हमारे पास जैसे हम लोगों ने ग्रेडियंट डिसेंट में समझा था कि धीरे धीरे वो हमारे को मोस्ट ऑप्टिमल पोजीशन पर लेकर आ जाए, राइट। तो उसके बाद अब जैसे हम लोगों ने ये चलाया, हमारे पास ये आ गए हमारे अपडेटेड वेट्स। अगर आप देखेंगे ये आपके वेट्स पहले थे, ये आपके वेट्स पहले थे, और जब मैंने ये चलाया उसके बाद आपके वेट्स थोड़े चेंज हो गए होंगे, राइट। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, आपके पहले वेट्स ये थे, तो ये चेंज हो गए हैं वेट्स, ऐसे ही आपके बायसेस भी चेंज हो गए हैं। सो अब हम लोग वापस से कैलकुलेट करते हैं इसको, कैलकुलेट अगर हम लोग वापस से करेंगे अपनी प्रेडिक्शंस को इसके थ्रू और MSE देखेंगे, तो हमारे पास 11600 के आसपास इट 8351 हो गया हमारा MSE। तो जब हमने वेट्स अपडेट करे, अपने बायस अपडेट करा, तो हमारा एरर कम हुआ, राइट। आपने देखा कितना सिंपली हम ये कर पाए पाइटॉर्च के थ्रू। अब ये हम लोग मल्टीपल ईपॉक्स के लिए चला देंगे सेम चीज़, दैट्स इट। सो फॉर आई इन रेंज 400 ईपॉक्स के लिए मैं प्रेडिक्शन निकालूंगा, मैं लॉस निकालूंगा, मैं ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करूंगा, और फिर मैं ग्रेडियंट्स को अपडेट करूंगा, उसके बाद जीरो सेट कर दूंगा। सिमिलरली ये चलता रहेगा मेरा 400 ईपॉक्स के लिए, एंड आप देखिए कि कैसे आपका एरर धीरे धीरे कम होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम 8351, जैसा कि हमने देखा,
6108459 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपका धीरे धीरे जब तक हम एंड में जाएंगे तो हमारा लॉस जो है वो अराउंड 334 आ जाता है, विच इज़ सिग्निफिकेंटली लेसर दैन आपका 11,700 जो था। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास कुछ 18 के आसपास आ जाता है। ये आपकी प्रिडिक्शंस आ जाती हैं, ये आपका टारगेट आ जाता है, एंड आप देख सकते हैं कि कितने क्लोज होंगे ये, दे आर सिग्निफिकेंटली क्लोजर टू ईच अदर, राइट। सो दिस इज़ वॉट वी डू विथ ग्रेडियंट कैलकुलेशन, जो ऑटोग्राड होता है इसमें हमारा फीचर, उसके थ्रू हम कैसे कितना एफिशिएंटली और इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं अपने ग्रेडियंट्स को, एंड अपडेट कर पाते हैं अपने वेट्स एंड बायसेस को या कोई भी ट्रेनेबल पैरामीटर्स को, राइट। तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम लोग सेम चीज़ करेंगे न्यूरल नेटवर्क के लिए यूजिंग पाइटॉर्च। तो आई गाइज, लेट्स स्टार्ट विद न्यूरल नेटवर्क यूजिंग पाइटॉर्च, जिसमें हम लोग अब देखेंगे कि हम पाइटॉर्च का कैसे यूज कर सकते हैं न्यूरल नेटवर्क्स में, और हमारे को कैसे इसके कुछ इनबिल्ट फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग GPU को चेक कर लेंगे, एंड हम लोग ने GPU एक्टिव करा हुआ है यहाँ पे अपने रन टाइम में, तो इट इज़ एनीवेज डूइंग गुड। ओके, हमारे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमारा रन टाइम में GPU एक्टिव है। हमने अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी, तो हमने टॉर्च इंपोर्ट करा, टॉर्च से NN इंपोर्ट करा, utils.data से डेटा लोडर इंपोर्ट करा, जो कि हम लोग क्रिएट करेंगे यूजिंग आर ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा। फिर हम लोग टॉर्च विजन से डेटा सेट्स इंपोर्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, जो भी हम यूज़ करना चाहें। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डेटा सेट्स में से हम लोग कोई भी डेटा सेट इम्पोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये इनबिल्ट जैसे हमारे पांडास में होता है, वैसे ही हमारा टॉर्च में भी है, इनबिल्ट हमारे पास डेटा सेट्स हैं। ऐसे ही टॉर्च विजन डॉट ट्रांसफॉर्म्स में टू टेंसर, अगर हम लोग अपने डेटा को टेंसर में करना चाहते हैं, लैम्डा और कंपोज करें जैसे फंक्शंस इम्पोर्ट करेंगे, और इम्पोर्ट matplotliblotpyplot as PLT करेंगे फॉर विजुलाइजेशन पर्पसेस, राइट। अब हमारे पास नेसेसरी पैकेजेस इम्पोर्ट हो चुके हैं। Now we will start with building the training data and test data. तो इसके लिए download training data from open data sets. Training data is equal to data sets. अब जो data sets आपने यहाँ से लिया था Torch Vision से, data sets dot fashion amnesty, उसमें हमारे पास class है जिसमें हमारे पास different different ये सारे के सारे हम लोगों ने hyper parameters डाले। root is equal to data, मतलब हमारे पास इस directory में data store होगा। ट्रेन इज इक्वल टू ट्रू, मतलब ये ट्रेनिंग के लिए डेटा यूज किया जाएगा। डाउनलोड इज इक्वल टू ट्रू, मतलब इसको डाउनलोड करेंगे हम इफ इट इज नॉट डाउनलोडेड ऑलरेडी, एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे हम इसको टेंसर फॉर्मेट में, राइट। तो हमने डेटा सेट्स डॉट फैशन एमनेस्ट से ये वाले पैरामीटर्स पास करके अपना ट्रेनिंग डेटा बना लिया। बिल्कुल सिमिलर वे में हम लोग टेस्ट डेटा बना लेंगे, सिर्फ एक डिफरेंस होगा यहाँ पे, हम लोग ट्रेन इज इक्वल टू फॉल्स करेंगे, राइट। ट्रेन इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, दैट इज इट। तो इससे हमारे पास हमारा टेस्ट डेटा बन गया, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पे टेस्ट डेटा के लिए बिल्कुल सिमिलर वे में हमारे पास रूट इज इक्वल टू डेटा, ट्रेन इज इक्वल टू फॉल्स, ओनली दिस इज द डिफरेंस। डाउनलोड इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्म टू टेंसर, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे हम लोग ट्रेन इज इक्वल टू फॉल्स करेंगे और हमारे पास हमारा टेस्ट डेटा आ गया। अब इसके बाद हमारे पास ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा दोनों आ चुके हैं इन टेंसर फॉर्मेट्स। इसके बाद हम अगर टाइप ऑफ ट्रेनिंग डेटा देखेंगे हमारा, तो हमारे को वो कैसा आना चाहिए, टॉर्च विजन से इंपोर्ट किया था, टॉर्च विजन डॉट डेटा सेट्स डॉट एमनेस्ट डॉट फैशन एमनेस्ट, ये है हमारा डेटा सेट का टाइप। अब इसके बाद हमारा, जब हमारे पास डेटा सेट्स आ चुके हैं, नाउ वी विल ट्राई टू क्रिएट आर डेटा लोडर्स। अब डेटा लोडर्स कैसे क्रिएट होते हैं, आपने यहाँ पर देखा टॉर्च यूटिल्स डेटा से हम डेटा लोडर निकालते हैं। डेटा लोडर में हम लोग अपना डेटा डालते हैं और बैच साइज डालते हैं, राइट। और यहाँ पे हम लोग बैच साइज़ पहले डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना 64 बैच साइज़ डिफाइन करा, ट्रेन डेटा लोडर और टेस्ट डेटा लोडर क्रिएट करें। इसमें हमने डेटा लोडर फंक्शन में अपना डेटा डाला, ट्रेनिंग और टेस्ट वॉट एवर वी आर क्रिएटिंग, बैच साइज़ डाला जो कि हमारा 64 है यहाँ पे। और अगर आप अब अपने टेस्ट डेटा लोडर या ऐसे ही ट्रेन डेटा लोडर को आप रन करेंगे और एक्स और वाई देखेंगे, तो आप देख पाएंगे कि ये शेप ऑफ एक्स और वाई क्या होने वाली है फॉर एवरी इंडिविजुअल फॉर वन पर्टिकुलर रिकॉर्ड, राइट। तो अगर आप एक बैच के लिए अगर हम देख रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको चलाऊंगा, तो x की शेप देखिए 64,1,28,28, ऐसे ही y की 64। ऑफ कोर्स y तो हमारे पास रिजल्ट होगा कि वो क्या है, किस कैटेगरी में आ रहा है, तो वो एक ही वेक्टर होगा, राइट, 1D वेक्टर। ये है मेन चीज, शेप ऑफ x, n, ये n जो है ये हमारे
नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, बेसिकली बैच साइज है। सी जो है हमारा ये है चैनल्स, तो ये अगर आरजीबी है तो 3 होता है यहाँ पे, अगर ये ब्लैक एंड वाइट, अगर ये सिमिलर एक ही चैनल है तो ये 1 होता है, जनरली ये 3 या 1 में से ही होता है। एंड देन वी हैव 28.28 विच इज़ द हाइट एंड द विड्थ, तो आपके 28x28 का पिक्सल होता है, जैसा कि हमने फैशन एमनिस्ट में पहले भी देखा था जब हम लोग स्टार्टिंग में न्यूरल नेटवर्क समझ रहे थे, तो 28x28 का वो हमारे पास वो आ जाएगा एक पिक्सल, 28 इज़ द हाइट और ये विड्थ भी, राइट। ऐसे ही गेट CPU और GPU डिवाइस फॉर ट्रेनिंग यूजिंग CUDA डिवाइस आ गया है। अब हम लोग करेंगे अपना डिफाइन मॉडल। अब डिफाइन मॉडल के लिए क्लास न्यूरल नेटवर्क हम बनाएंगे जिसमें nn.module, इसमें हम लोग कुछ चीज़ें इनिशियलाइज करेंगे, अपना न्यूरल नेटवर्क डिफाइन कर रहे हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे अपना सुपर न्यूरल नेटवर्क सेल्फ इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये हमारे पास उसके बाद हमारे पास इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर हम लोग अपना सारे के सारे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं, एक्टिवेशन फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इनपुट और आउटपुट डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम लोगों ने पहले हमारे जो इनपुट्स आए उसको फ्लैटन किया, फ्लैटन करने के बाद ये हमारे पास लीनियर लेयर आई, उसके बाद हमने 512 का आउटपुट हुआ, फिर रेलू लगाया, फिर लीनियर, फिर रेलू, फिर लीनियर, एंड दिस इज़ वेयर वी आर डिफाइनिंग आर इनिशियलाइजिंग आर मॉडल। यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड में हमने सेल्फ दिया जो कि हमारे पास यहाँ से आएगा जो मॉडल इनिशियलाइज करेंगे, एंड हम लोगों ने सेल्फ डॉट फ्लैटन एक्स अगेन, फिर लॉजिट्स इज इक्वल टू सेल्फ डॉट लीनियर रेलू स्टैक एक्स रिटर्न लॉजिट्स, और फिर हम लोगों ने इसके थ्रू जो हम लोगों ने क्लास डिफाइन कर ली, हमने इस मॉडल को कॉल किया न्यूरल नेटवर्क को डॉट टू डिवाइस। अगर मैं इसको अब चलाऊंगा तो आप देख सकते हैं हमारा मॉडल ये आ जाएगा। एंड दिस इज आर न्यूरल नेटवर्क नाउ, राइट। ऐसे ही हम लोग अब यहाँ पे गेट CPU और GPU डिवाइस फॉर ट्रेनिंग में चेक करते हैं कि हमारा अगर GPU एक्टिव है या नहीं, राइट। अब हमारे पास वी आर यूजिंग द CUDA डिवाइस। अब हम आएंगे अपने डिफाइन मॉडल पे। यहाँ पे हम लोग nn.module को इनहेरिट कर रहे हैं अपने इस क्लास में, जो कि आपने देखा होगा यहाँ पे हमने nn को करा इम्पोर्ट और इसको ही हम इनहेरिट कर रहे हैं। तो हम लोग हम एक क्लास बनाते हैं न्यूरल नेटवर्क की, इनिशियलाइज करते हैं, इसमें हम लोग न्यूरल नेटवर्क को कॉल करते हैं, और मतलब हम लोग nn.module को ही हम कर रहे हैं, तो हम सुपर लगाते हैं इसमें टू इनहेरिट nn.module। इसके बाद हम लोग सेल्फ डॉट फ्लैटन और सेल्फ डॉट लीनियर रेलू स्टैक यूज़ करते हैं nn.sequential में, हम लोग लीनियर रेलू और लीनियर लेयर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमने nn.module को इनहेरिट किया, उसके ऊपर हम लोगों ने अपनी सब क्लास बनाई जो हमारे पास पहले ही प्रीबिल्ट थी। अब हम लोगों ने यहाँ पे सेल्फ डॉट फ्लैटन, जैसे कि आपके पास 28.28 उसको फ्लैटन किया, उसके बाद उस पर आगे हमने लीनियर लेयर्स, रेलू लीनियर ऐसे करके हमने डिफरेंट लेयर्स लगाई, एंड ऐसे ही हम लोगों ने फॉरवर्ड फंक्शन डिफाइन किया जिसमें हमारे पास आगे बढ़ेगा हमारा न्यूरल नेटवर्क, राइट। तो इससे हमारा मॉडल डिफाइन हो गया जिसमें हमने इनिशियलाइज करा, न्यूरल नेटवर्क को डिफाइन करा, और यहाँ पे हमने सेल्फ डॉट लीनियर रेलू स्टैक से अब जो ये हमारी फ्लैटन इनपुट है एक्स डॉट सेल्फ डॉट फ्लैटन एक्स, इसको हम लोगों ने पास करा और जिससे हमारा रिजल्ट आ गया। फिर हम लोगों ने इस न्यूरल नेटवर्क को अपने डिवाइस पे स्टोर कर लिया एंड हमने अपना मॉडल प्रिंट कर लिया। तो दिस इज़ आर फाइनल मॉडल, न्यूरल नेटवर्क फ्लैटन किया और उसके बाद लीनियर रेलू स्टैक, जिसके थ्रू हम लोगों ने इसको यूज़ करके आगे फॉरवर्ड प्रोपोगेट कर दिया, राइट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपना लॉस फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जो कि क्रॉस एंट्रोपी लॉस है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल वो होंगे तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी भी नहीं यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वी हैव मल्टीपल कैटेगरीज आई गेस हियर, राइट। ऑप्टिमाइजर हमारा टॉर्च डॉट ऑप्टिमाइजर डॉट sgd और मॉडल पैरामीटर्स डाल के हमने लर्निंग रेट डाल दिया। तो इससे हम लोगों ने अपना लॉस फंक्शन और ऑप्टिमाइजर डिफाइन कर लिया। अब हम लोग डिफाइन करेंगे अपना ट्रेन फंक्शन। अब इस ट्रेन फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो अभी आपने ऊपर देखा जब हम लोग लीनियर रिग्रेशन में ऑप्टिमाइज कर रहे थे अपने वेट्स को, यही सेम करेंगे हम लोग। ट्रेन होगा, डेटा लोडर, मॉडल, लॉस फंक्शन और ऑप्टिमाइजर, ये 4 चीज़ें ज़रूरी होंगी। हमारे पास डेटा लोडर हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, मॉडल है हमारे पास, लॉस फंक्शन और ऑप्टिमाइजर है, राइट। साइज के थ्रू मॉडल को ट्रेन करेंगे, फिर बैच में x, y इन्यूमरेट डेटा लोडर xy, इससे x.2device y.2device होगा, प्रडिक्शंस होंगी, लॉस कैलकुलेट करेंगे, बैक प्रोपगेट ऑप्टिमाइजर डॉट जीरो ग्रैड होगा, लॉस डॉट बैकवर्ड होगा, फिर ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप होगा, और इसके थ्रू हमारे लॉस
जो है वो लॉस फंक्शंस कैलकुलेट होते रहेंगे और प्रिंट होते रहेंगे। इसको हम आगे भी और जाके डिटेल में समझेंगे, राइट। ऐसे ही टेस्ट डेटा सेट के लिए भी सेम चीज़ करेंगे। हम टेस्ट डेटा सेट के लिए इवैल्यूएट करेंगे मॉडल को, मॉडल डॉट इवैल यूज़ करेंगे, टेस्ट लॉस और करेक्ट देखेंगे, ये भी हम लोग आगे समझेंगे। एंड हम लोग फिर सिमिलरली डेटा लोडर के थ्रू पास ऑन करके लॉस फंक्शन कैलकुलेट करेंगे और फिर हम लोग एंड में टेस्ट एरर और एवरेज लॉस को प्रिंट करेंगे, राइट। अभी हम लोग इस चीज़ को आगे और डिटेल में भी समझेंगे। सो नाउ अब हम देखेंगे कि हमारे जो ईपॉक्स हैं, जो हमारे पास यहाँ पे 5 हैं, हम एक फॉर लूप चलाएंगे फॉर द ईपॉक्स एंड हम लोग ट्रेन और टेस्ट को, इस जो फंक्शन हमने दो बनाए हैं इनको कॉल करेंगे। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास सबसे पहले ईपॉक 1, ईपॉक 2, 3, 4 और 5 के यहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग लॉसेस प्रिंट होते रहेंगे फर्स्ट, उसके बाद फिर हमारे पास टेस्ट एरर और एवरेज लॉस आएगा। एंड आप देख सकते हैं कैसे रिड्यूस हो रहा है, एक्यूरेसी 36.2, एवरेज लॉस 2.14, उसके बाद एक्यूरेसी 51.2, एवरेज लॉस 1.86, ईपॉक 3 के लिए 58, 4 के लिए 61 एंड 5 के लिए 64.1% एक्यूरेसी आई और लॉस हमारा 1.08 हो गया है टेस्ट एरर के लिए। ये आपका ट्रेनिंग से प्रिडिक्ट हो रहा है, तो ये जो सारी की सारी चीज़ें आपकी ट्रेनिंग से प्रिडिक्ट हो रही हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे आ रहा है। हम लोग ये समझ गए हैं कि हमारा ईपॉक बाय ईपॉक लॉस कम हो ही जा रहा है ट्रेन का एंड इसके थ्रू हम टेस्ट का प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो हम रिजल्ट्स भी देख सकते हैं साथ में। अब एक बार देखते हैं ये हो कैसे रहा है। तो लेट्स लुक एट दिस फंक्शन। हमारे पास ट्रेन आया, ट्रेन में हमने डेटा लोडर डाला, मॉडल अपलोड किया, लॉस फंक्शन और ऑप्टिमाइजर। अब हम लोग क्या करेंगे, साइज इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डेटा लोडर डॉट डेटा सेट। तो अब डेटा लोडर डॉट डेटा सेट का अगर हम लोग अब लेंथ देखेंगे तो हमारे पास इससे एक नंबर आ जाएगा जिसके थ्रू हम लोग उसको इटरेट करेंगे। अब मॉडल डॉट ट्रेन, हमने मॉडल ट्रेन करना शुरू किया, मॉडल को ट्रेन करा ये इंस्टेंस को, और अब हम लोग डेटा लोडर से इन्यूमरेट करेंगे और x और y, हमारा बैच आएगा और x और y आएगा जो हमने x और y ऊपर प्रिंट किया था। x हमारे पास एक एरे होगा, 3 डाइन जो हमारे पास बैच साइज चैनल्स एंड योर हाइट एंड विड्थ, एंड हमारे पास y होगा हमारा रिजल्ट। हमने ये इनको सेव कर लिया। नाउ दिस इज द मेन पार्ट व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, ट्रेनिंग में क्या हो रहा है। हम लोग प्रिडिक्शन लेके आ रहे हैं, प्रिडिक्शन आई, प्रिडिक्शन के थ्रू हम लोगों ने अपने एक्चुअल रिजल्ट्स एक्चुअल लेबल से लॉस कैलकुलेट करा, दिस इज कंप्यूटिंग द प्रिडिक्शन एरर। अब प्रिडिक्शन एरर कंप्यूट करने के बाद हमारे जो ऑप्टिमाइजर्स हैं हमने उनको पहले जीरो कर लिया, राइट। उसके बाद हमने अपना लॉस कैलकुलेट करा, लॉस कैलकुलेट करा लॉस डॉट बैकवर्ड से हमारे पास सारे के सारे ट्रेनेबल पैरामीटर्स के लिए ग्रेडियंट्स आ गए। एंड ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप के थ्रू हम लोगों ने अपने वेट्स को अपडेट कर दिया विद दैट पर्टिकुलर अपडेटेड ग्रेडियंट्स। इसके थ्रू हमारे पास, हम लोग यहाँ पे अपना लॉस प्रिंट करते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर हमारे पास एक कंप्लीट परसेंट बाय 100 मतलब डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 0 हो जाता है, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास 6400, 12800, 19200 ऐसे करके हमारे पास इस पे प्रिंट्स हो रहे हैं इन लॉस के। बट द होल पॉइंट इज कि यहाँ पे हम प्रिडिक्शन एरर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हम ऑप्टिमाइज करते हैं, दिस लूप कीप्स ऑन वर्किंग हमारे पास एन नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए। टेस्ट में अब हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट में सिमिलरली जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लेंथ ऑफ डेटा लोडर डॉट डेटा सेट किया था, यहाँ पे भी सेम तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ बैचेस, लेंथ ऑफ डेटा लोडर कि कितने नंबर ऑफ बैचेस रहेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे मॉडल डॉट ट्रेन किया, यहाँ पे मॉडल डॉट इवेल्यूएट करेंगे यूज़। टेस्ट लॉस और करेक्ट हमने दो वेरिएबल्स बनाए जिनको जीरो हमने डिक्लेयर किया। और सिमिलरली विथ टॉर्च डॉट नो ग्रेडियंट, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे अभी देखा था, सेम चीज़ विथ टॉर्च डॉट नो ग्रेडियंट, यही चीज़ इसको थ्रू हम लोग चलेंगे। यहाँ पे हमारे पास फॉर x, y एंड डेटा लोडर, x, y x डॉट टू डिवाइस, y डॉट टू डिवाइस, सिमिलर चीज़। यहाँ पे हम लोग डिफरेंस लेके आएंगे, प्रिडिक्शंस निकालेंगे, टेस्ट लॉस निकालेंगे अपना, टेस्ट लॉस इक्वल टू टेस्ट लॉस टोटल जो हो चुका है आ चुका है प्लस द लॉस फंक्शन जो इस पर्टिकुलर आइटम का आया, और ऐसे करके हमारा टेस्ट लॉस कैलकुलेट होगा। और करेक्शन इज इक्वल टू करेक्शन प्लस, ऐसे ही हम प्रिडिक्ट आर्गमैक्स ऑफ 1 डबल इक्वल टू y। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हमारा कितना करेक्ट एग्जांपल्स हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसके थ्रू हम लोग
टेस्ट लॉस इक्वल टू टेस्ट लॉस फॉर नंबर ऑफ बैचेस, करेक्ट इज इक्वल टू करेक्ट बाय साइज करके हमारे पास टेस्ट एरर भी आ जाएगा और एवरेज लॉस भी आ जाएगा। तो इसके थ्रू थ्रू दिस पर्टिकुलर फंक्शन हम लोग अपने एवरेज टेस्ट में हमारा टेस्ट डेटा के लिए हमारी एक्यूरेसी और एवरेज लॉस कितना आ रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे फॉर एवरी पर्टिकुलर ट्रेन एंड टेस्ट एस्पेक्ट। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ईपॉक्स 5 एक ईपॉक के लिए शुरू होगा। अब यहाँ पे हमारे फर्स्ट ईपॉक के लिए जब चलेगा तो ट्रेन चला पूरा, टेस्ट चला पूरा, हमारे पास ये रिजल्ट्स आए। उसके बाद हमारे पास ये रिजल्ट्स आ चुके हैं। सेकेंडली हम लोगों ने सेकेंड ईपॉक के लिए स्टार्ट किया तो हमारे पास रिजल्ट्स थोड़े से बेटर हुए। थर्ड ईपॉक के लिए हमने स्टार्ट किया, रिजल्ट्स और थोड़े बेटर हुए। फोर्थ ईपॉक के लिए और बेटर हुए, फिफ्थ के लिए और बेटर हुए, राइट। अभी हम लोग जब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है तो हम लोग अपने इस मॉडल की स्टेट डिक्शनरी को, स्टेट डिक को model.pth में सेव कर लेंगे। दिस इज द वे हाउ वी सेव पाइटॉर्च के मॉडल्स .pth फाइल्स में। अब हम लोगों ने क्या कहा, सेव पाइटॉर्च मॉडल स्टेट टू model.pth। अगर मुझको ये जो मैंने मॉडल सेव कर दिया है इसको मुझे वापस से यूज करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली model.load_statedict करके torch.load और ये मॉडल का पाथ डाल दूंगा, राइट। मॉडल न्यूरल नेटवर्क जो हम लोग मैं इनिशिएट करूंगा जो कि हमने बना दिया है, उसके बाद मैं बस मॉडल को लोड कर दूंगा एंड हमारे पास ये नया मॉडल हमारे पास अपलोड हो जाएगा। अब इस मॉडल के थ्रू मैं प्रिडिक्शन कैसे करूंगा, बहुत सिंपली मेरे को पता है मेरी ये सारी क्लासेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मॉडल डॉट इवेल्यूएट एक्स वाई टेस्ट डेटा का एक्स पार्ट और वाई पार्ट। सिमिलरली वही चीज़ विद टॉर्च डॉट नो ग्रेडियंट प्रिडिक्शन कैलकुलेट करूंगा, प्रिडिक्शन और एक्चुअल में कंपेयर करूंगा एंड मैं प्रिंट कर दूंगा कि प्रिडिक्टेड क्या था और एक्चुअल क्या था। एंड यहाँ पे जैसे कि मैं कर रहा हूँ, प्रिडिक्टेड भी एंकल बूट था एंड एक्चुअल भी एंकल बूट आया फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। तो इससे हमने क्या सीखा गाइस, इससे हमने सीखा कि हम बेसिकली पाइटॉर्च में कैसे हम अपना प्रिडिक्टिव मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, क्या सिंटेक्स रहता है उसका एंड किस तरीके से हम लोग अपने न्यूरल नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करते हैं उसके वेट्स एंड बायसेस को थ्रू अ वेरी सिंपल कोड जो हमारे पास बैकएंड में सारा कुछ कर देता है बिकॉज ऑफ दिस रिक्वायर्स ग्रैड इज इक्वल टू ट्रू प्रोसेस जब हमारे पास ये डिफाइन होते हैं। एंड बहुत सिंपली हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और अपने पाइटॉर्च के मॉडल्स को सेव कर सकते हैं एक लोकेशन में और जब मर्जी हम लोग उसको लोड करके उन वेट्स के थ्रू प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं। सो वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग, राइट। अब हम लोग अपने देखेंगे इस ट्रेन फंक्शन को जिसमें हमारे पास हमारा डीप लर्निंग मॉडल ट्रेन किया जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने लॉस फंक्शन और ऑप्टिमाइजर को अपने डिफाइन कर लिया है, अपना न्यूरल नेटवर्क अपने हमने डिफाइन कर लिया है कि कैसा रहेगा। अब हमारे पास जो हमने डेटा लोडर्स डिफाइन किए थे इनका यूज़ करके, बैच साइज का यूज़ करके और ऑप्टिमाइजर और लॉस फंक्शन का यूज़ करके हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग में हमारा मॉडल ट्रेन किया जाएगा। हम सबसे पहले साइज़ देख लेंगे कि हमारा डेटा सेट की कितनी उसमें रिकॉर्ड्स है, मॉडल डॉट ट्रेन हम इनिशिएट करेंगे। फिर हम लोग अपने डेटा लोडर में से एक्स वाई और बैच ये तीन चीज़ों के ऊपर, एक्स और वाई और बैच के ऊपर हम लोग इटरेट करेंगे। एक्स और वाई को हम डिवाइस में स्टोर करते रहेंगे हमारे पास एंड यहाँ पे हमारे पास मेन मीट ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे मॉडल की प्रिडिक्शंस आएंगी प्रेड में। मॉडल ऑफ एक्स हमने इनपुट्स पास किए, हमारे पास प्रिडिक्शंस आ गई। अब हम लोग उस प्रिडिक्शंस को यूज़ करके एक्चुअल लेबल से जो कि वाई है उसको लॉस फंक्शन में डाल के एक्चुअल लॉस हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे। नाउ हमारे पास लॉस आ गया है, अब हम लोग लॉस को अपडेट, लॉस के थ्रू हम लोग बैक प्रोपगेट करके अपने ट्रेनेबल पैरामीटर्स को अपडेट करते हैं जैसे कि वेट्स और बायसेस को। अब उसको करने के लिए सबसे पहले हम अपने ऑप्टिमाइजर को 0_grad के थ्रू स्टार्ट करेंगे ताकि ग्रेडियंट जीरो हो जाए और हर एक लूप में जब ये चलेगा तो ग्रेडियंट जीरो हो जाएंगे एंड लॉस डॉट बैकवर्ड के बाद हमारे पास हमारे हर एक के ग्रेडियंट्स कैलकुलेट हो जाते हैं जैसा कि आपने पहले भी देखा है। यहाँ पे हम लोग जब अपडेट करते हैं तो उसके बाद जीरो कर देते हैं एंड वापस से वो हमारे पास नए ग्रेडियंट्स आके उसको अपडेट करते रहते हैं, राइट। तो हमारे पास ये आ जाएगा और उसके थ्रू ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप के थ्रू हमारे पास हमारे ट्रेनेबल पैरामीटर्स अपडेट हो जाएंगे। तो हमारे पास इसके थ्रू हमारा जो मॉडल है इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स मिनिमम एरर, वेट्स और बायसेस चेंज हो रहे हैं जैसे कि हम चाहते हैं। ये पर्टिकुलर कोड कुछ नहीं है, ये बस हम लोग प्रिंट कर रहे हैं अपने लॉस को कि कितना लॉस है, ट्रेनिंग लॉस है एंड करंट मतलब हम कितना चल चुके हैं उस बैच में से। तो
तो इस चीज़ को हम लोग करंट बाय साइज जो जितना टोटल एलिमेंट्स हैं डिवाइड बाय अभी हम किस पे पहुंचे हैं, फॉर एग्जांपल 6400 आउट ऑफ 60,000 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे चलता रहेगा। ये लॉस हमारा कितना लॉस है पर्टिकुलर, इस तरीके से हमारा लॉस आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास लॉस आ गया, यहाँ पे हमारे पास करंट आ गया कि करंट कितने एलिमेंट्स हो चुके हैं। सो दिस इज़ आर ट्रेन फंक्शन, राइट, ग्रेट। नाउ अब हम टेस्ट पे चलते हैं। टेस्ट फंक्शन बिल्कुल सिमिलर वे में चल रहा है हमारे को, उसमें हमारे को चाहिए टेस्ट लॉस कितना है एंड एक्यूरेसी कितनी है, राइट। ये दो चीज़ें हम लोग ढूंढना चाहेंगे। तो इसमें भी हम लोग साइज पता करेंगे, नंबर ऑफ बैचेस की कितने टोटल बैचेस हैं, मॉडल डॉट इवैल करेंगे, इवैल्यूएट करने वाले हैं मॉडल को, और टेस्ट लॉस और करेक्ट को हम लोग स्टार्टिंग में जीरो के थ्रू से इनिशिएट कर देंगे। अब हम लोग जैसे हम पहले कर रहे थे विद टॉल्स डॉट नोग्राड के थ्रू फॉर एक्स कॉमा वाई इन डेटा लोडर, इसके अंदर हम लोग ये डालेंगे फॉर एक्स कॉमा वाई इन डेटा लोडर एक्स कॉमा वाई, सिमिलर चीज एक्स डॉट टू डिवाइस वाई डॉट टू डिवाइस और डिवाइस, और यहाँ से सेम चीज़ प्रिडिक्ट करेंगे। प्रिडिक्ट जब कर दिया हमने तो हम लोग कंपेयर करेंगे कि टेस्ट लॉस, फिर लॉस फंक्शन निकालेंगे प्रिडिक्टेड और एक्चुअल में, और ये हमारा ऐड होता रहेगा। तो दिस विल बी आर टेस्ट लॉस, ये हमारे पास ऐड होता रहेगा। एंड करेक्ट कि अगर ये क्या अगर करेक्ट है एंड उसका फिर सम करते रहेंगे, राइट। तो बेसिकली एंड में क्या होगा, हमारे पास हमने कितने एक्चुअली करेक्ट बताए आउट ऑफ टोटल, तो वो आ जाएगी हमारे पास हमारी एक्यूरेसी, एंड टेस्ट लॉस आ जाएगा हमारे पास ऐसे ही एवरेज लॉस की तरीके से। तो ये हमने इस तरीके से अपना टेस्ट फंक्शन डिफाइन करा। तो उसमें मेन चीज़ यही थी कि हमने इवैल्यूएट करा और अपने लॉस कैलकुलेट कर लिया। अब हमने 5 epochs के लिए अपने मॉडल को इनिशिएट किया, 5 epochs के लिए चला हमारा ट्रेन सेट, टेस्ट चला, एंड हमारे पास हमारे वेट्स अपडेट होते रहे। तो अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे, एक सेकंड, ट्रेन अपडेट हो गया। नाउ हमारा epoch 1 चला, epoch 1 के लिए स्टार्ट हुआ, हमारा लॉस आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास लॉस प्रिंट हो रहा है एंड यहाँ पे हमारे पास करंट प्रिंट हो रहा है। ऐसे करके मेरे पास प्रिंट होगा जैसे ही मैं 60,000 पे पहुँचूंगा, ख़त्म। टेस्ट एरर आ गया, एक्यूरेसी 44.1% और एवरेज लॉस 2.14। सिमिलरली epoch 2 के लिए शुरू हुआ। अब epoch 2 के लिए जब शुरू हुआ तो हमारे पास हमारे मॉडल सेम रहेगा, मॉडल यहीं पे हमारा अपडेट हो ही जाएगा। अब हमारे पास ये जो हुआ 2.15 से शुरू हो रहा है लॉस एंड और कम हुआ, सिमिलरली और धीरे धीरे कम होता जा रहा है, हमारी एक्यूरेसी 60+ पहुंच चुकी है, राइट। लेट्स सी कितनी जाती है एंड तक, इट शुड रीच 63.7, तो 65 के अराउंड आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी आफ्टर योर 5 epochs एंड आपका लॉस भी काफ़ी कंसिडरेबली कम हो चुका, 65% के आसपास आपकी एक्यूरेसी आ गई। एंड नाउ विद दिस वी आर डन विद आर 5 epochs, हमारे पास ट्रेनिंग और टेस्ट एक्यूरेसी और लॉस आ चुका है। तो व्हेन नाउ वी आर सेटिस्फाइड विद आवर मॉडल, हमको लग रहा है कि हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लॉस काफ़ी हद तक कम हो चुका है, तब हम लोग अपने मॉडल को सेव कर सकते हैं। एंड मॉडल को हमारे पास सेव करने के लिए इसकी डायरेक्टली एक्सटेंशन होती है .pth हमारे PyTorch फाइल्स की, यहाँ पे हम लोग torch.save model.state_dict और इसमें model.pth डाल सकते हैं। तो हमारे पास ये सेव हो जाएगा इस पर्टिकुलर पाथ पे, राइट, इस पर्टिकुलर पाथ पे हमारा ये मॉडल सेव हो जाएगा। नाउ अगर मुझको लेट्स से मॉडल को लोड करके वापस से कुछ प्रिडिक्शंस करनी हो, लेट अस से कि आपने अपना मॉडल एक अपलोड कर दिया आज के दिन में, आपने मॉडल बनाया, मॉडल बहुत अच्छा चल रहा है, आपने मॉडल को सेव कर दिया। नाउ लेट्स से आफ्टर 10 days आपको कुछ और नया डेटा आया और आपको बोला है कि इसके ऊपर प्रिडिक्शंस निकाल कर दीजिए, तो ये तो है नहीं कि आप पूरा नोटबुक वापस से ट्रेन करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, आपने जो मॉडल सेव कर दिया है उसी को हम लोड कर लेंगे। तो ऐसे आपने अपने मॉडल को सबसे पहले इनिशिएट किया, न्यूरल नेटवर्क को इनिशिएट किया एंड उसमें मॉडल डॉट लोड स्टेट डिक, उसमें टॉर्च डॉट लोड और मॉडल डॉट pth। तो यहाँ पे हमने इसके थ्रू टॉर्च डॉट लोड मॉडल डॉट pth करा, तो हमारे पास मॉडल आ चुका है यहाँ पे। नाउ अब हमारे पास मॉडल आ चुका है, लोडेड है वेट्स हमारे पास। अब हम लोग इन वेट्स का यूज़ करके हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, वेरी इजी, राइट। अब ये प्रिडिक्शंस के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये 10 classes हैं, हम सेम चीज़ जो यहाँ कर रहे हैं मॉडल डॉट इवेल्यूएट करेंगे विथ टॉर्च डॉट नो अंडरस्कोर ग्रैड और फिर यहाँ पे एक्स और वाई डिफाइन करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे और
देखेंगे कि प्रिडिक्शन और एक्चुअल में फ़र्क क्या है. एग्जैक्टली दिस सेम विद टॉल्स डॉट नो ग्रैड. प्रिडिक्शन इज इक्वल टू मॉडल ऑफ एक्स. प्रिडिक्टेड एक्चुअल, प्रिडिक्टेड एक्चुअल क्या है, यहाँ पे एक्स और वाई हमने डिफाइन कर दिए. टेस्ट डेटा 00 और टेस्ट डेटा 01 हो गया आपका वाई. क्लासेस में आपने प्रेड 0.argmax(0) डाला और क्लास ऑफ वाई, क्लासेज ऑफ वाई डाला. अब इससे पता लग गया कि हमने कौन सी क्लास प्रिडिक्ट करी थी एंड एक्चुअल क्लास कौन सी थी. और फिर हम लोगों ने प्रिंट कर देख लिया एंड बोथ ऑफ देम आर एंकल बूट. तो इसका मतलब हमारा मॉडल ने सही प्रिडिक्ट करा. एक्चुअल भी एंकल बूट की इमेज थी एंड हमने भी एंकल बूट की इमेज प्रिडिक्ट करी. सो दिस इज हाउ आप यूज कर सकते हो अपने सेव्ड मॉडल को .pth फाइल्स को लोड करके कोई भी नई प्रिडिक्शन के लिए. एंड आपने, हम लोगों ने इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्या सीखा कि हमारे पास पाइटॉर्च में किस तरीके से हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं टेंसर्स की, अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, इसमें ऑटोग्राड का फीचर और GPU का जो फीचर है इसके थ्रू कैसे स्केलेबिलिटी बन जाती है और हमारे पास बहुत एफिशिएंट तरीके से बैक प्रोपगेशन हो जाती है. सो दिस इज समथिंग विच वी लर्नड. और हमने ये भी देखा कि हम न्यूरल नेटवर्क में और लीनियर रिग्रेशन में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो आई होप यू गाइज लाइक दिस लेक्चर. मैं होप करता हूँ कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा ये और आप इसको ट्राई भी करेंगे कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है. आप डॉक्यूमेंटेशन को भी ज़रूर पढ़िएगा एंड देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें करी जा सकती हैं एंड कीप एक्सपेरिमेंटिंग बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न, राइट. एंड या लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद मेनी इंटरेस्टिंग अदर टॉपिक्स. होप यू हैव अ गुड डे.